मैं कह रहा हूं कि अब मुद्दा ये आपकी पार्टी मुद्दा ये बना रही है, जब अखिलेश जी ये कहते हैं कि ये तो जब मुख्यमंत्री को टिकट मांगना पड़े और अयोध्या से साधु संत उनका विरोध करने लगे तब आप समझिए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो अयोध्या से लड़ना चाहते थे लेकिन अयोध्या में नाराजगी थी इनके खिलाफ इसलिए पार्टी ने इनको अयोध्या से लड़ाया नहीं, और बीजेपी ये कह रही है इसलिए चुनौती दे रही है कि 30 बार जो मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या चले गए, जिसने अयोध्या के लिए इतनी परियोजनाएं शुरू कर दी, कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि उनको अयोध्या से लड़ने में कोई खतरा था? तो सौरभ जी लड़ लेना है अयोध्या से, मैं तो कह रहा हूँ लड़ ले अयोध्या से, क्या परेशानी है फिर? ये तो आप अपने आप को उन्हीं की बात मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर से गए उन्होंने ऊपर से फूल बरसाए, अयोध्या से जब आप जिस चीज का ढिंढोरा पीटते हो वही काम नहीं करते हो और फिर हमको बताते हो चुनौती, ये अपने आप में बड़ी मजेदार बात है। तो आप हमसे करें ना, आप खूब करिए लेकिन लड़िए तो आके। फिर राधा मोहन अग्रवाल जिनके खिलाफ 4 बार के एमएलए हैं, सबसे सीनियर लीडर में से है, उनका टिकट कट गया और उनकी जगह पे योगी आदित्यनाथ। आप कौन से हमदर्दी नहीं हो रही है, आपकी नजर उन पर है, आपकी नजर उन पर है, राधा मोहनदास अग्रवाल पर आपकी निगाहें टिकी है, कोई नजर और कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो आए सबका स्वागत है, अच्छे लोग। मैंने अभी अखिलेश जी ने कह दिया है एक की गुंजाइश है, उन्हीं के लिए कहा था, उनके लिए गुंजाइश है, देखते हैं। खैर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया है, उन्होंने कहा मैं पार्टी बदलने वालों में से नहीं हूँ। जफर इस्लाम फिर आता हूँ बाकी खान साहब के पास। जी जफर इस्लाम, मैं सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूं कि देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं अनेक बार 30 बार ऐसे गए हैं, टोटल मिला के 42 बार वो वहां का वहां पर गए हैं और पूजा किया है वहां पर। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आप अगर आपको लगता है कि वहां उनका विरोध हुआ, आपको लगता है किसी वजह से नहीं किया, आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप जाइए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं उनकी परछाई भी वहां रहेगी ना, उससे भी आप हार जाएंगे, इसलिए मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं। खान साहब भेज दे मायावती को, आप चाहे अखिलेश को भेज दीजिए, कांग्रेस का कोई है नहीं, तो मैं ऐसे ही ऐलान कर देता हूं सौरभ जी आपके 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 थ्रू कि कांग्रेस में किसी में अगर वाड्रा जी को दम है, मिसेस वाड्रा को, तो आ जाए वहां पर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना है बता दे, वहां अपने कार्यकर्ता को उतार देंगे, उसके बाद देखिए आप ही मजा, जमानत जब्त कैसे होता है इनका। ठीक, खान साहब क्या कहना चाहेंगे? खान साहब जिनको ये जो सीना ठोक के कैसे थे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसे किसी पूर्व मंत्री को आज तक ऐसे शोहरत हासिल नहीं हुई। चले ठीक, एमएच खान नहीं सौरभ जी, मैं देखिए इस चक्कर में खान साहब मानते हैं ना बात को, एक सेकंड अब सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सौरभ जी, मैं हमारी पार्टी इस चक्कर में नहीं है कौन किसको कहां से टिकट देता है, हर पार्टी का अपना उसूल होता है, अपना सिद्धांत होता है कि किसको कहां से लड़ाएगा, वो लड़ाएगा उसको। लेकिन चर्चा जब विषय का हो जाता है कि हम कहीं से लड़ सकते हैं तो घमंड की बू आती है। आपसे 403 सीटों में कह रहे हैं कि कहीं से भी लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से जाकर लड़ ले, फिर गोरखपुर क्यों लड़े? सवाल इस बात का है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि हाँ कोई कहां से लड़ रहा कोई नहीं लड़ा। चर्चा की शुरुआत क्यों की गई कि आप 403 सीटों में कहीं से लड़ सकते हैं? जब इलाम साहब कह रहे हैं कि आप वो बहन जी लड़ जाए, अरे भाई क्यों लड़ जाएंगे? आप अपनी पार्टी के लोगों को डिसाइड करें, ये हम अपने पार्टी के लोगों को डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर चैलेंज आप करते हैं कि कहीं से लड़ जाएंगे तो जाए आजमगढ़ से लड़ जाए, जाए जौनपुर से लड़ जाए, कहीं जहां से तलाशिए ना, जहां आपका आदमी सिटी से भी जीत जाएंगे कि आपको दे रहे हैं तो चर्चा तो होगी। लेकिन आप क्या नहीं, खास साहब आप भी ये बात मानने वालों में से हैं कि गोरखपुर सेफ सीट है इसीलिए योगी जी ने चुनी? अब बिल्कुल ये देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, सेफ सीट है कि नहीं सेफ सीट पर नहीं जाता तो जनता डिसाइड करेगी, जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये अधिकार हर पार्टी को है कौन किसको कहां से लड़ाएगा। ठीक है, हम पार्टी को लोगों कहां से लड़ाएंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे महंगाई के ऊपर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे 5 साल योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया उस पर चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे किसानों के ऊपर खाद बीज चढ़ाई गई उनके ऊपर मुकदमे काम नहीं हो पाया। मैं तो चाह रहा हूं उस पर चर्चा हो जाए सौरभ भाई, उसी पर चर्चा कर आज विषय रख लिया था। देखिए इस पे हम तो रोज 3 घंटा उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं, आज खान साहब ने कई बार ये बात कही है, मैं अपने यहां पर बात करता हूं, कल आप जो विषय कहेंगे हम उस पर डिबेट कर लेंगे, हमें तो रोज यूपी के मुद्दों पर बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है खान साहब, आपके विषय पर भी डिबेट होगी बिल्कुल, आज समय कम रह गया है तो आज इसी पर बात कर रहे हैं। देखिए वो इनका कहना ये है खान साहब, पहले से बता दे रहा हूँ मैदान से भागने रहूंगा सारी बातों का, आपको जब भी हम वो डिबेट जब भी रखेंगे मायावती जी ने क्या किया था
उसका भी आंकड़ा सामने रखूंगा। ये डिबेट जब भी होगी उसमें जफर साहब और खान साहब ये दो पैनलिस्ट तो जरूर ही होंगे, इतना मैं कह दे रहा हूं आपसे, ठीक है? हम आपके साथ कर सकते हैं डिबेट, आप कर सकते हैं जफर साहब। हम वो डिबेट ऑर्गेनाइज कराएंगे खान साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो डिबेट करवाऊंगा। अच्छा, लेकिन अभी जो आपने बात कहा कि जब ये कहती है बीजेपी कि कहीं से लड़ जाए जीत जाएंगे, तो उसमें अहंकार की बू आती है शिवम त्यागी जी, फिर वो उनको मौका मिलता है कहने का आजमगढ़ से लड़ जाएं जाकर के, लड़ जाएं किसी और सीट से जाके, सैफई से लड़ जाएं जाकर के। नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो एक चीज देखनी है कि मतलब ये हास्यास्पद बात है कि एक भगवाधारी को कहा जा रहा है कि वो अयोध्या से लड़ता तो हार जाता। अरे जिसने फैजाबाद को अयोध्या बनाया वो हार जाता। अरे जिसने अयोध्या को उस दशरथ की अयोध्या बनाया जो कभी वो हुआ करती थी उसको असली पहचान दी, वो भगवाधारी हार जाता। अरे जो अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट मंदिर की रखवा रहा है वो हार जाता। अरे जिसने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या को दिया वो हार जाता। जीतते कौन? जिन्होंने अयोध्या के कोर्ट में, फैजाबाद के कोर्ट में ब्लास्ट करवाया था और आतंकवादियों को छोड़ देते, वो जीत जाते। अगर योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर भी खींच कर ले जाएंगे, आशुतोष जी भी ले जाएंगे अगर खाली, उस पर भी अयोध्या की जनता जिताकर भेज देगी उनको, पहली बात तो, क्योंकि अयोध्या को अयोध्या जी बनाने में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो शानदार है। अभी मत बोलिए, उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कहा कि समाजवादी के प्रवक्ता भी अगर योगी जी की तस्वीर लेकर चले जाए अयोध्या तो वो भी उनको भी जो योगी जी की तस्वीर के नाम पर जिता देंगे, तस्वीर से भी चुनाव जीत जाएंगे। अयोध्या को अयोध्या बनाने में, उसकी सांस्कृतिक विरासत को लौटाने में जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो इस देश में किसी ने नहीं किया और आज तक उत्तर प्रदेश के किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। वरना लोगों को गोलियां मारी जाती थी राम का नाम लेने पर, आज वो बड़े मतलब गौरव से राम का नाम लेते हैं। और दूसरी चीज मैं तो ये कहता हूं, यदुवंश के नवजात श्री अखिलेश यादव जी यादव समाज से आते हैं, उनके भगवान श्री कृष्ण हैं, मथुरा से लड़िए ना सर, कहिए ना इसी टीवी पर बैठकर, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, मैं आपके लिए भी बैटिंग करूंगा। आप कह दीजिए बैठकर कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी वही बनना चाहिए, नहीं कह पाएंगे आप ना, तो आप काम ही कोई ऐसा नहीं करते जो जनता आपकी बात करे। और जहां तक आपने अहंकार की बात की सौरभ जी, मैं उसमें एक चीज कहना चाहता हूं, अहंकार नहीं कॉन्फिडेंस, विश्वास और अति आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क है। जब आप जनता के बीच में रहते हैं, जब आप कोरोना के दौरान कोरोना संक्रमित होने के बाद भी जनता के बीच में होते हैं, जब आप प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब प्रदेश के विकास की बात करते हैं, जब प्रदेश में जातिगत चीजों पर जो है फायदा नहीं दिया जाता, तो तब आप विश्वास में होते हैं। ठीक है, विश्वास ने दिखाया है 2019 में। अच्छा ठीक है, आपने जो चुनौती दी है मुझे लगता है एक बार उस पर डॉक्टर आशुतोष जरूर बोले। डॉक्टर साहब देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन चलती है, ये राम रहीम ये इस पे नहीं चलती है, ये इस देश के 140 करोड़ की जो लोग हैं उनके लिए आई है, ये बात मानती है। हम धर्म को अपना जाते, हम राजनीति को अपना धर्म मानते हैं। अरे रुक जाओ, हो गया शिवम जी रुक जाइए, ठीक है, इतना मत लो, हम राजनीति करना हमारा धर्म है लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करते सौरभ जी, हम बहुत आराम से बताते हैं आपको। हमें कोई चिल्ला के सिद्ध नहीं करना है कि समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिए, इस प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और तब भी सरकार बनाई है जब समाजवादी पार्टी का स्थापना भी नहीं हुई थी। हम इस बात में बोलते हैं कि यहाँ का आशीर्वाद सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को, हम इस बात से बोलते हैं कि सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट की नींव है जिसपे आज भारतीय जनता पार्टी ने फीते काटे हैं वो भी अखिलेश यादव ने रखी है। हम इस बात पे करते हैं यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान, यहाँ पे जो गरीब है दलित है पिछड़ा है उनके लिए सरकार आई है। हम कहते हैं हम ये सब करेंगे और अगर मंदिर भी बनेगा, मस्जिद बनेगा, गिरजाघर भी बनेगा और चर्च बनेंगे तो उसको सीना ठोक के बनाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी 24 करोड़ की जनता, इसके लिए एक एक अन्न देना, इसको उनको वहां के आरक्षण का लाभ देना, गरीब को आगे लाना है। ये जो धार्मिक उन्माद पैदा करके इस देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में कुछ ऐसे लोगों ने किया है, इस देश को बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने और संविधान की रक्षा करने का काम किया है और वो करके रहेंगे, क्योंकि हम इन लोगों के चक्कर में अपने देश को बर्बाद नहीं होना चाहते हैं। आज भी हमारी हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कमी से पहली बार मले, और उसी गोरखपुर में जहाँ एक दिन में 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे, और कहते हैं मुख्यमंत्री कि बच्चे मर जाया करते हैं अक्टूबर अगस्त में, शर्म आनी चाहिए वहां पे सांसद होते हुए इन्होंने ये बोला था। उसके बाद ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा है ये बोला है भारतीय जनता पार्टी संसद में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।